फ्रेंड्स देखंतु जदि आपण माने 2024 मसिया पई एसएसबी टीजीटी किंबा एलटीआर पई आपण माने प्रिपरेशन करूचंती आमे ओनली आर्ट्स पई आमे बैच स्टार्ट करूचु जोंथरे की आपण माने कंप्लीट बैच आमर पई परिबे। आमर फैसिलिटी जदि कहबा आपण माने कंप्लीट थ्योरी क्लास जहाँ कि रेकॉर्डिंग क्लास आपण माने पाई जिबे ए टू जेड सिलेबस अनुसार ता सहित डेली बेसिस रे आपण माने जीके एवं करंट अफेयर्स मध्ये प्रैक्टिस करि परिबे। ऑल सब्जेक्ट रो इंडिविजुअल एमसीक्यू रहइबो आउ ऑल सब्जेक्ट रो आपणकर मॉक टेस्ट रहइबो। तो मात्र आपण मानकर 400 टंका रे आमे याकु प्रोवाइड करूचु। वैलिडिटी जदि कहिबो आपण मानकर जे पर्यंत एलटीआर मेन एग्जामिनेशन सरीनी तो से पर्यंत आमे सहित आपण माने जुडी हे परिबे। ता सहित आपण मानको कहि रखुची जदि आपण माने जॉइन करिया पय चाहु चंती ए जो नंबर देखु चंती 8917270933 तो एई नंबर रे मते व्हाट्सअप करिवे म आपण मानको पेमेंट नंबर एवं केमिति जॉइन हेबे तार प्रोसेस कहि देबी। तो नंबर टी मध्ये एटी मेंशन अछि आपण माने देखि परिवे। अधिक डिटेल्स जानिबा पय डिस्क्रिप्शन लेको टेलीग्राम चैनल लो लिंक अछि जाई कि जॉइन हे परिवे। थैंक यू। तो कहो प्रथम क्वेश्चन ला आंसर कोन हबो। क्वेश्चन पचारि छि गोटे सेकंड इन द ईयर ऑफ 1757 एडी व्हिच सिग्निफिकेंट बैटल पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश डोमिनेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल। करेक्ट आंसर कौन करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। सतरश सतावन कथा कही करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया बहुत सारा पिला सठिक आंसर अच्छी। तो करेक्ट आंसर होची बैटल ऑफ पलासी जोटा कि आम पलासी युद्ध बोली कही था। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आम देखा द बैटल ऑफ पलासी फॉट ऑन जून 23, 1757 वाज ए पिवोटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद दौला। द ब्रिटिश एमर्ज विक्टोरियस व्हिच मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन बंगाल एंड अल्टीमेटली लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन हम करेक्ट आंसर व्हाट परसेंटेज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर होची 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 1/3। ठीक अच्छे 1/3 हम करेक्ट आंसर। आगे को बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच राइट हैज बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 32-35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 32-35 मध्य भारतीय संविधान रो को अधिकार मेंशन करा जाइछ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन ना आपण फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज राइट ऑफ इक्वालिटी। करेक्ट आंसर कौन हम 32-35 कथा कही करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड करेक्ट आंसर होचे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ये रही जोटा कि आर्टिकल 32-35 जदि आम देखा
एथरे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बाबद कह अलाउ द सिटीजन्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सिक द रिमेडीज अगेंस्ट देयर वायलेशन। ठीक अच्छे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्शन कमिशन वाज एस्टाब्लिश इन अकॉर्डेंस विथ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इलेक्शन कमिशन कब एस्टाब्लिश करा जाई थला आमर जो इलेक्शन कमिशन रही केबे आपण मानकर एस्टाब्लिश करा जाई थला 49 48 51 आउट रही आप 50 करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड जो मैंने 50 देखते से करेक्ट आंसर अच्छी आपण 1950 मसीह ही आमर इलेक्शन कमिशन को एस्टाब्लिश करा जाई थला। आर्टिकल के कोई परिबो आर्टिकल केते हु कैन से आर्टिकल केते रहइबो आर्टिकल केते कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जो इलेक्शन कमिशन रही यार आर्टिकल केते रहउछि इलेक्शन कमिशन 324 वेरी गुड बहुत बढ़िया। इलेक्शन कमिशन जो रही इंडिया एस्टाब्लिश करा जाइथिला जनवरी 25 1950 रे आर्टिकल जोटा कि रही 324 रोज। ठीक अच्छे वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज वन ऑफ द मेन रीजन्स टू गेव राइज टू एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन नेशनल मूवमेंट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट रे कहीं एक्सट्रीमिज्म माने आगो को आसी कौ कारण आगो को आसी बेंगल रो पार्टीशन जुगु ना आपंकर जालिवाना वाला बाग ना चौरी चौरा ट्राजेडी ना नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड समस्त सटिक आंसर अच्छे पार्टीशन ऑफ बेंगल बेंगल रो पार्टीशन जुगु। ठीक अच्छे पार्टीशन ऑफ बेंगल कही रखुच ये जो रही एक्सप्लेनेशन टा आपंकर भूल रही तो यहाँ हूँ ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर बेंगल रो पार्टीशन जुगु एक्सट्रीमिज्म देखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस ईश्वर चंद्र विद्यासागर रवींद्रनाथ टागोर राजा राममोहन रॉय महात्मा गांधी करेक्ट आंसर कौन हम राइट 1905 कर्जन यार करेक्ट आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन कमेंट करो समस्त कोई पार वेरी गुड राजा राममोहन राय ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इज ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस ड्यू टू हिज एफर्ट ऑफ प्रमोटिंग सोशल रिफॉर्म्स आउ हूँ एडवोकेटिंग फॉर द वुमेन्स राइट एंड अपोजिंग द वेरियस सोशल इविल्स प्रिवेलिंग ड्यूरिंग हिज टाइम महिला मान क्षेत्र में जो राइट्स रही से कौन करते एडवोकेट करते। ठीक अच्छे वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट राइट सतीदाह प्रथा जोड़ा थिला ता एग्नेस्ट रे से प्रोटेस्ट करथिले राजा राममोहन राय करेक्ट आंसर कौन हम कह व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल केते रहइबो वेरी गुड सब तो 124 124 अच्छे तो कौटा हम वेरी गुड नॉट वन करेक्ट आंसर हो 124
3 बुझेला तो जोटा कि आम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिपर आर्टिकल 124 पार्ट 3 कही स्टेट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट इज सेट्स आउट दैट ए पर्सन मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलिस्ट 5 इयर्स और मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलिस्ट 10 इयर्स और शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक अच्छे वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहूँ द ग्लोबल वार नोन एज सेकेंड वर्ल्ड वार अकर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द्वितीय विश्वयुद्ध जोटा को आम कही था ग्लोबल वार बोली आम कही था यहाँ आपंकर के संगठित होता प्रणाम प्रणाम इटा केबे हेइतला करेक्ट आंसर कौन हम इटा आपंकर केबे हेइतला 39 रु केते थिला 39 रु 45 थिला नो कि 1939 रु 45 ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन एट रही छी त माने देखि परियो ठीक अछि जोटा कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स नेशन इंक्लूडिंग ऑल द ग्रेट पावर्स ऑर्गेनाइज इनटू टू अपोजिंग मिलिटरी एलियंस द एलाइज एंड द एक्सिस पावर हला नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हु वाज द अर्लीएस्ट डिसिपल ऑफ राजा रामन रॉय हु टुक द लीडरशिप ऑफ ब्रह्म समाज आफ्टर हिज डेथ राजा रामन रॉय मृत्यु पर क्यों शिष्य दायित्व भार संभाली थिले करेक्ट आंसर कौन हम केशव चंद्र सेन ना देवेंद्रनाथ ठाकुर केशव चंद्र आई थिंक देखिद देवेंद्रनाथ टागोर सटनली राजा राममोहन रॉय ए प्रोमिनेंट इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड इंटेलेक्चुअल फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन 1828 आफ्टर हिज डेथ 1833 द लीडरशिप ऑफ ब्रह्म समाज वाज टेकन बाय हिज डिसिपल देवेंद्रनाथ टागोर देवेंद्रनाथ टागोर इज द करेक्ट आंसर ओके देवेंद्रनाथ टागोर बुझेला मन रख देवेंद्रनाथ टागोर हूँ यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कह द सोशल एविल कॉल्ड सती प्रथा वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय जो सती प्रथा रही सेटा कहा द्वारा इलीगल बोली डिक्लेयर करा जाई थला एवं पनिशेबल भी करा जाई थला लॉर्ड कैनिंग विलियम बेंटिक डेली साउस लॉर्ड रिपन करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर राइट विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर बेंटिक हला लॉर्ड विलियम बेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल एंड पनिश्ड बाय द लॉ थ्रू द पैसेज ऑफ द बंगाल सती रेगुलेशन इन 1829 तो गोटे सती रेगुलेशन आसला 1829 रे जोटा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ठीक अच्छे वेरी गुड राइट नेक्स्ट
ईश्वरचंद्र विद्यासागर वाज एसोसिएटेड विथ द पब्लिकेशन ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन एट कलकत्ता। किए कह या भितर गोटे से गोटे पत्रिका पब्लिश करते कलिकतारे ना कौन ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर हूँ सोम प्रकाश इज द करेक्ट आंसर। सोम प्रकाश ठीक अच्छे। सोम प्रकाश गोटे पब्लिकेशन थी तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फादर आम क्या कहवा। इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फादर आम क्या कहवा। वेरी गुड, एलन एक्टिवियन ह्यूम, जोटे कि 1885 समस्त मन थी हला, जो फॉर्मेशन पाई जो रूल से फॉर्मेशन करते 1885 रे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन इन द ईयर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपण केबे स्टार्ट होता। फ्रेंच रिवॉल्यूशन केबे स्टार्ट होता। करेक्ट आंसर कौन हम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन टा आपण केबे स्टार्ट होता। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कौन हम करेक्ट आंसर। 1743, 1798 ना आपणकर 1799, 1769। करेक्ट आंसर कौन हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1799 जो मैंने से मानकर करेक्ट आंसर अच्छी। 1799 आपणकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आरंभ होता। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1799 जोटा कि कन्वेइंग ऑफ द स्टेट्स जनरल इन फ्रांस व्हिच लेड टू सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। नेक्स्ट, हु इनिशिएटेड द थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जॉन लॉक, जीन जैक्यूस रूसो, डी प्ल्यूम, वोल्टेयर, नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर कौन हम। कौन हम करेक्ट आंसर। रुसु, रुसु ऑप्शन नंबर बी जो मैंने देख करेक्ट आंसर अच्छे रुसु। भले से देख, रुसु हूँ जड़े फ्रेंच रो जड़े फिलोसोफर इज क्रेडिटेड विथ द एन ऑनसेटिंग द थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्हिच एम्फसाइज द आइडिया ऑफ जनरल विल एंड कंसेंट of the govern। next, in the year 1870 Keshav Chandra Sen was the founder of which among the following options। correct answer kon hobo। केशव चंद्र सेन को सहित कौटा या भितर जड़ित। सतुरी नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कौन हम करेक्ट आंसर। ए हम केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज हम। करेक्ट आंसर होप्शन नंबर बी सहित जीव 1870
ब्रह्म समाज ठीक अच्छे। नेक्स्ट हु इज द राइटर ऑफ नील दर्पण व्हिच रिफ्लेक्ट्स अबाउट द टुडिगो प्लांटिंग कंट्रोवर्सी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सत्येंद्रनाथ टागोर, दीनबंधु मित्र, रवींद्रनाथ टागोर, बादल सरकार। करेक्ट आंसर कौन? नील दर्पण राइटर के किए कह? नील दर्पण सहित रिलेटेड होपण दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर है। देखिपर नील दर्पण वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्र, ए बेंगली पोएट एंड प्ले राइट, एंड इट पोर्ट्रेट द एट्रोसिटीज फेस्ड बाय द इंडिगो फार्मर्स इन ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट भलसे पढ़ क्वेश्चन कौन? हु एमंग द फॉलोइंग गिवेन ऑप्शन वाज नॉट कंसीडर एज ए मॉडरेट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। एम भितर किए जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रही भितर किए आपणकर मॉडरेट भितर आसुना? दादा भाई नारोजी, बिपिन चंद्र पाल, आउ जे होती आपणकर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी। कोड़ा वो करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हूँ बिपिन चंद्र पाल आसुना। बिपिन चंद्र पाल ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। बुझेगा कि नहीं? बिपिन चंद्र पाल भल से टे देख दि मॉडरेट वेयर ए ग्रुप ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हु आर एक्टिव बिटवीन 1885 एंड 1907 1885 रु 1907 भितर एक्टिव दे बिलीव्ड इन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मीन्स टू अचीव देयर गोल्स सच एज पिटिशनिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर रिफॉर्म्स। बिपिन चंद्र पाल वाज नॉट ए मॉडरेट। बिपिन चंद्र पाल जड़े मॉडरेट नथिले। ही वाज वन ऑफ द लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट्स हु आर ए मोर रेडिकल ग्रुप दैट एडवोकेट फॉर मोर एग्रेसिव मेथड ऑफ प्रोटेस्ट सच एज बॉयकॉट्स एंड स्वदेशी। हला तो से कह पुरे ना सब बेले जो मैंने तुमर थिले को मैंने विशेष करके मॉडरेट्स जो मैंने थिले समय सब बेले शांतिपूर्ण उपाय चाहूतले कौन दाबी पत्र दबापाई हला किंतु ता भितरे बिपिन चंद्र पाल नथिले। ठीक अच्छे। नेक्स्ट हु वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड द फाउंडर ऑफ प्रेस्टिजियस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट वाराणसी। जो वाराणसी रे आमर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रही तार फाउंडर आउ रिफॉर्मर भी किए बस जड़े सोशल रिफॉर्मर। करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर हूँ मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राइट एम 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 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कोड्स इज और आर रिगार्डेड एज अल्टीमेट इंटरप्रिटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर एटा हूँ वन, एटा हूँ टू, एटा हूँ थर्ड। तो कौटा हम करेक्ट आंसर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज और आर रिगार्डेड एज द अल्टीमेट इंटरप्रिटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। समस्त कही पार सहज क्वेश्चन अच्छी सुप्रीम कोर्ट हम करेक्ट आंसर जोटा कि आपंकर ओनली थर्ड आई इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज अल्टीमेट इंटरप्रिटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कोटा हे कत हम करेक्ट आंसर आर्टिकल गुड़ाक भल से पढ़ करेक्ट आंसर हूँ 25 रु 28 हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सहित जी 25 रु 28 जो मैंने से करेक्ट आंसर अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को तो ज्योग्राफी स्टार्ट है ज्योग्राफी आम हिस्ट्री आउ पॉलिटिक्स सर जाइए बर्तमान ज्योग्राफी तापर आम इकोनॉमिक्स को जीवा कहे पर्सन कॉल्ड हिज फ्रेंड्स फ्रॉम डेट्रॉइट जोटा कि आपणकर 83 डिग्री वेस्ट एट 11 AM है जड़े लोक डेट्रॉइट्रे आपणकर 11टा बेले कॉल कला तार सांग को एट व्हाट टाइम हिज फ्रेंड विल रिसीव द कॉल एट सिमला जोटा कि 77 डिग्री ईस्ट रे अच्छे किए कह कैलकुलेशन गोटे निहाती पकेब तीनटा 20 नो देख कैलकुलेशन टा टिके देखि दियो देख सिंस डेट्रॉइट इज लोकेटेड एट 83 डिग्रीज वेस्ट एंड सिमला इज लोकेटेड 77 डिग्रीज ईस्ट देयर इज द टाइम डिफरेंस 10 आवर्स 53 मिनिट्स बुझेला तो ये दि जन भितर टाइम डिफरेंस आमको काढ़ा पड़ो बुझिपारुच तो जोटा कि डिटेल थियोरी क्लास तुम मैंने देखिपर जे 10:53 रोची हला तेणु 10 जो रही इफ इट इज 11 AM इन डेट्रॉइट द टाइम ऑफ सिमला विल बी 9:53 माने 9:53 PM रहइबो ऑन द सेम डे बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ रामसर कन्वेंशन वो करेक्ट आंसर कौन हम वेटलैंड कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नॉन ऑफ दिस करेक्ट आंसर जे रामसर कन्वेंशन सहित आपणकर कौ प्रक्रियाटा जड़ित वेरी गुड बहुत बढ़िया शुण तुम ये वेटलैंड कंजर्वेशन को बेसी प्रायोरीटी दिजा सहित बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को भी एटी गुरुत्व दि जाए बुझिपार कि नहीं कितना बेसी प्रायोरीटी तुम रोथे वेटलैंड कंजर्वेशन है तेणु देखेद एक्सप्लेनेसनटा रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रेटी दैट एम्स टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स एंड दे आर बायोडायवर्सिटी बुझे कि नहीं तेणु करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन नंबर ए सहित जीवो। नेक्स्ट बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस ए प्रपोज्ड रूट फॉर फास्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया प्रथम जो बुलेट ट्रेन चल थिला कौट की न्यू दिल्ली रु साबरमती जंक्शन मुंबई रु अहमदाबाद थाने रु आनंद विहार ना चित्रदुर्ग रु भदोदरा करेक्ट आंसर कौन हम बुलेट ट्रेन कथा एटी कही वेरी गुड मुंबई रु अहमदाबाद मुंबई रु अहमदाबाद ठीक अच्छे वेरी गुड। नेक्स्ट को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम आमर जो इंडस रिवर सिस्टम रही तार ट्रिब्यूटरी कही किए नुहे एमानू तार ट्रिब्यूटरी भितर किए आसुना
तो करेक्ट आंसर कौन हम किए कह सी समस्त आंसर दौंस करेक्ट आंसर कृष्णा आई थिंक ताप्ती साबरमती गंडक झेलब चेनाब बयास एंड सतलेज आ गए रही चंबल कौटा हम करेक्ट आंसर सी हम ए क्वेश्चन टा टे मोर डाउट अच्छी तथापि मुझ तुमको एक्सप्लेनेसन टा देखा देख ना तुमने टे तुम पाखे जो बही अच्छी ताधर तुम्हें देख मत लगुच आईदर क्वेश्चन टा भूल अच्छी नहले ऑप्शन किसी भूल अच्छे ठीक अच्छे बुझेगा तो देखी दियो द इंडस रिवर सिस्टम इज ए मेजर रिवर सिस्टम इन साउथ एशिया इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन पाकिस्तान एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया द इंडस रिवर सिस्टम कंप्राइजेस द इंडस रिवर एंड इट्स फाइव मेजर ट्रिब्यूटरीज झेलम चेनाब राबी बयास सतलेज ओके द रिवर चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर व्हिच इज द पार्ट ऑफ गंगास रिवर सिस्टम द अदर रिवर लिस्टेड सोन रामगंगा घग्गर काली एंड गंडक आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगास रिवर सिस्टम ओके तो आई थिंक क्वेश्चन टा भूल अच्छी तो स्किप कर दबा ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को डुगरी हिंदी पंजाबी यही जो गुड़ाक जो रही कौ स्टेट कहा जाए ठीक अच्छे टी जजमेंट करदेव बुझेगा जदि क्वेश्चन रंग अच्छे तेल स्किप कर दियो किसी कथा ना कौटा ये लांगुएज गुड़ाक विशेष करोटी कह जाए जम्मू काश्मीर हम करेक्ट आंसर जम्मू काश्मीर रे डुगरी हिंदी आउ पंजाबी ए लांगुएज विशेष कर बहुत भाव में व्यवहार करा जाए हैला नेक्स्ट लेजर हिमालयज इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज लेजर हिमालयज इन हिमाचल प्रदेश तो कौन कह जाए ताको धौलधर रेंज बोली कह जाए ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर बुझेगा धौलधर ठीक अच्छे वेरी गुड शिवालिक नेक्स्ट दि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज नोन एज कौन हम करेक्ट आंसर दि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ता कौन कह जाए वेरी गुड हॉर्स लैटिट्यूड बोली कह जाए ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर हॉर्स लैटिट्यूड हैला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट रो डिस्ट्रक्शन पाई कौ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसटा विशेष करके दाई गोटा बरे करेक्ट आंसर वेरी गुड एटा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग हैला जोड़ा पड़ू चाष बोली आम कही था नेक्स्ट
नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस ऑफ ग्रेटर हिमालयज नॉट स्टेटेड इन उत्तराखंड कौन हम नहीं पास एट नॉट पचार करेक्ट आंसर हो नाथुला पास ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर नाथुला नाथुला डी जो मन दे करेक्ट आंसर हो नाथुला देखी दियो नाथुला पास इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तराखंड इट इज लोकेटेड इन बॉर्डर बिटवीन द इंडिया सिक्किम एंड चाइना जोटा तिब्बत है नाथुला नाथुला ओके नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नेशनल फॉरेस्ट रिसोर्स इंस्टीट्यूट लोकेटेड कौटा हम करेक्ट आंसर नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कौट उत्तराखंड रोचे उत्तराखंड उत्तराखंड हम करेक्ट आंसर डी हम करेक्ट आंसर उत्तराखंड हम करेक्ट आंसर ओके उत्तराखंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश कौ बायोस्फीयर रिजर्वटा आपणकर विशेष करके देखा जाए कौटी हिमाचल प्रदेश रे हिमाचल प्रदेश रे कौ बायोस्फीयर रिजर्वटा आपणकर रही कोल्ड डेजर्ट आ गोटे अच्छे मानस शिमिलीपाल अगस्त्यमाला हिमाचल प्रदेश कथा कही कोल्ड डिजर्ट हम करेक्ट आंसर कोल्ड डिजर्ट कोल कोल कोल्ड 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 डिजार्ट हम करेक्ट आंसर कोल्ड डिजार्ट हम नॉट अगस्त्यमाला देखी दियो भल से देखी दियो बेस्ड ऑन द इनफॉरमेशन प्रोवाइडेड द बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज कोल्ड डिजार्ट बायोस्फीयर रिजर्व द कोल्ड डिजार्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न हिमालय ओके विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन नॉर्थ इंडिया ठीक अच्छे नेक्स्ट को इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड एमिडिस कंबलकुंडा रिजर्व फॉरेस्ट इन एटा कौट लखनऊ उत्तर प्रदेश सालिम तमिलनाडु विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश अलीपुर कोलकाता कौन हम करेक्ट आंसर आंध्र अच्छे विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम अच्छे विशाखापट्टनम है विशाखापट्टनम हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट कह क्वेश्चन कही डैश आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन दैट इंक्लूड द एज जेंडर एथनिसिटी एजुकेशन लेवल एंड इनकम लेवल बर्थ रेट डेथ रेट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फर्टिलिटी रेट्स करेक्ट आंसर कौन हम इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू सिलेबस कह करेक्ट आंसर कौन हम
डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सी सी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पॉपुलेशन ग्रोथ कैन लीड टू चैलेंज सच एज डैश व्हिच रेफर्स टू पॉपुलेशन एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट ओवर इन्वेस्टमेंट डिफ्लेशन ओवर पॉपुलेशन आड़ अच्छे असेस्ट बबल्स करेक्ट आंसर कौन हम ओवर पॉपुलेशन हम करेक्ट आंसर सी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहे डैश इज ए सिचुएशन व्हेयर द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग स्टेडिली ओवर टाइम आज वर्षा होता तो से इंग्लीश ओडिया ग्रामर क्लास हैलानी ओके तो से प्राक्ट सेट जेहेतु आज दिन सारा है तो गोटे प्राक्ट सेट मुझे नहीं आसली ओके करेक्ट आंसर एक कौन कह जाए एक इनफ्लेशन कह जाए ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट डिमांड पुल इनफ्लेशन अकर्स व्वेन केत डिमांड पुल इन्फ्लेशन टा केते बेले घटे डिमांड पुल इन्फ्लेशन टा केते बेले हमर घटी थाए को डिमांड पुल इन्फ्लेशन टा केत घटी था कौटा परे बी हम सी हम करेक्ट आंसर जो एग्रीगेट डिमांड टा एक्सीड कर एग्रीगेट सप्लाई ठारू तो से डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही घटी था बुझेगा इकोनॉमिक्स को भल से पढ़ रही नेक्स्ट को क्वेश्चन कही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यहाँ कत कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन टा कत जिते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जेकोसी गोटे फार्म पाई इनक्रीज करी थाए ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट अच्छा कहल व्हाट डज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पिक्यूएलआई मेजर जो आम पिक्यूएलआई रही कौन मेजर करा जाए इकोनॉमिक ग्रोथ ना आपणकर नेशनल इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना आपणकर एजुकेशन एंड हेल्थ आमर पिक्यूएलआई रे एजुकेशन आउ हेल्थ आसीबो हला नेक्स्ट को सेंट्रल बैंक रो कोडा उडा कार्य नुए इश्यूइंग करेंसी ना कंट्रोलिंग मनी सप्लाई ना रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स सेंट्रल बैंक रो कोडा उडा कार्य नुए फाइनेंशियल सर्विस ये दे न थाए सेंट्रल बैंक दे न थाए हला कमर्शियल बैंक रो कार्य एटा बुझे होजी कि नाही फ्रेंड्स देखंतु जदि आपण माने 2024 मसिया पई एसएसबी टीजीटी किंबा एलटीआर पई आपण माने प्रिपरेशन करूचंती आमे ओनली आर्ट्स पई आमे बैच स्टार्ट करूचु जोंथरे कि आपण माने कंप्लीट बैच आमर पई परिबे आमर फैसिलिटी जदि कहबा आपण माने कंप्लीट थ्योरी क्लास जहाँ कि रेकॉर्डिंग क्लास आपण माने पई जिबे ए टू जेड सिलेबस अनुसार ता सहित डेली बेसिस रे आपण माने जीके एवं करंट अफेयर्स मध्ये प्रैक्टिस करि परिबे ऑल सब्जेक्ट रो इंडिविजुअल एमसीक्यू रहइबो आउ ऑल सब्जेक्ट रो आपणकर मॉक टेस्ट रहइबो तो मात्र आपण मानकर 400 टका रे आमे यहा को प्रोवाइड करूचु वैलिडिटी जदि कहिबो आपण मानकर जे पर्यंत एलटीआर मेन एग्जामिनेशन सरीनी तो से पर्यंत आमे सहित आपण माने जुडी हे परिबे ता सहित आपण मानको कहि रखुची
जदि आपण मैंने जॉइन करने चाहूंट ये नंबर देखुं 8917270933 तो यही नंबर रे मत व्हाट्सअप करेंगे मुझे आप पेमेंट नंबर और केमी जॉइन हे तार प्रोसेस कहीदेवी। तो नंबर टी ये मेनसन अच्छी आपण मैंने देखिपारे अधिक डिटेल्स जानवापी डेस्क्रिप्सन एक टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी जाइक जॉइन हो पारे। थैंक यू।